हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पिटिंग एडिमा के बारे में। पिटिंग एडिमा आपने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पिटिंग एडिमा होता क्या है। पिटिंग एडिमा, देखिए यहाँ पर मैंने एक लेयर बनाया हुआ है और एक दूसरा लेयर बनाया हुआ है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। पहला लेयर ये है, नंबर वन, यहाँ पर हमने दिया हुआ है एक सिंपल लाइन खींची हुई है। इसका मतलब है कि लकीर जो है, ये लाइन जो है बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी पेशेंट को एडिमा है तो यहाँ पर देखिए कोई भी डिप्रेशन नहीं बन रहा, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरी लाइन है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक लाइन के बाद थोड़ा सा यहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। अब इसे ऐसे समझते हैं, जब भी किसी मरीज को सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, और अगर हम अपनी फिंगर से उसे दबाते हैं, अगर हम अपनी फिंगर से उसे दबा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 या 4 सेकंड के लिए, तो इसमें क्या होता है, एक डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन यानी एक गड्ढा बन जाता है, इसे हम गड्ढे वाली सूजन भी आमतौर पर कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक जगह पर प्रेशराइज्ड कर दिया है, एक उंगली से हमने फिंगर से थोड़ा सा प्रेशर दिया तो वहाँ पर क्या हुआ, गड्ढा बन गया। इसे हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। ये क्या होता है, 20 से 30 सेकेंड 35 सेकेंड में नॉर्मल, धीरे धीरे नॉर्मल इसी तरीके से स्किन इसकी हो जाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि वास्तव में इसे हम क्या कहेंगे। व्हेन प्रेशर ऑफ फिंगर प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑन एडिमेटस पार्ट कॉल्ड पिटिंग एडिमा। समझे बात को, व्हेन प्रेशर ऑफ फिंगर, जब हम एक उंगली से अफेक्टेड पार्ट को प्रेशराइज्ड करते हैं, एडिमेटस पार्ट पर प्रेशर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्रेशन एक फॉर्म हो जाता है, इसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। इसके महत्वपूर्ण कॉजेज हैं, बहुत ही सीरियसली इस पेशेंट में थोड़ा सा एल्बुमिन देखा जाता है। एक्चुअली एल्बुमिन करता क्या है, एल्बुमिन का काम होता है ऑनकोटिक प्रेशर को बनाए रखना। ऑनकोटिक प्रेशर अगर मेंटेन रहेगा प्लाज्मा का, तो क्या होगा, ब्लड वेसल से फ्लूड बाहर नहीं आ पाएगा। अगर फ्लूड बाहर नहीं आएगा तो स्वेलिंग होने के चांसेस घट जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। अब एल्बुमिन अगर किसी पेशेंट में कम है, या फिर हो सकता है पेशेंट कम खा रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से प्रोटीन सही से काम ही नहीं कर पा रहा है, या फिर सही से बन ही नहीं पा रहा है, सिंथेसिस नहीं हो रहा है उसका, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पिटिंग एडिमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर ऑनकोटिक प्रेशर हमारा नॉर्मल है, इसके अलावा अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पिटिंग एडिमा होने के चांसेस होते हैं। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या कर रहा है, ये भी जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूड है उसको अंदर बना के रखता है। अगर ये फ्लूड अंदर रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, फ्लूड धीरे धीरे बाहर नहीं आएगा और स्वेलिंग नहीं होगी पेशेंट को। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने के चांसेस कब होते हैं, जैसे कार्डियक फेलोर है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलोर होता है, क्या है कि ब्लड वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, जो ब्लड वेसल्स के चैनल्स हैं, जो वॉल्व हैं, वो प्रॉपर तरीके से वॉल्व काम नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ब्लड एक जगह भरा रह जाता है। जब ब्लड एक जगह भरेगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर को डेवलप करेगा। ऐसी कंडीशन में भी पिटिंग एडिमा होने के चांसेस होते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके अलावा क्या क्या कारण हैं। प्रोटीन लेवल डिक्रीज होना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिक्रीज प्रोटीन लेवल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एल्बुमिन स्पेशली, ठीक है। अब एल्बुमिन क्या करता है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद होता है लिवर डिसीजेस, सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है। अगर लिवर से रिलेटेड कई बीमारियाँ हैं तो क्या होता है, लिवर हमारे कई सारी ऐसे तत्व होते हैं जिनको कन्वर्ट करता है, तो स्पेशली धीरे धीरे एल्बुमिन या फिर अदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तब भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर जो वहाँ पर पोर्टल सिस्टम होता है उसमें कंजेशन होगा, उसका जो ब्लड फ्लो होता है उसे सही नॉर्मल तरीके से नहीं चलने देगा अगर लिवर खराब होगा, तो ऐसी कंडीशन में पिटिंग होने एडिमा होने के चांसेस होते हैं। किडनी डिसीजेस, किडनी डिसीजेस में क्या होता है कि पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से प्रोटीन या तो बाहर निकल रहा है, जैसे मान लीजिए पेशेंट प्रॉपर तरीके से एल्बुमिन ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, लेकिन उसको कोई किडनी से रिलेटेड ऐसी बीमारी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है,
पेशाब के थ्रू निकल रहा है, एल्बमिनूरिया हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कितना भी पेशेंट को एल्बुमिन दे दीजिए पेशेंट नॉर्मल नहीं आएगा जब तक हम उसकी किडनी की बीमारी को सही नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में होता है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर मैंने आपको बताया कि अगर ब्लड एक जगह भर के रहता है, पोर्टल सिस्टम खराब होगा या फिर जो ब्लड वेसल्स है वहाँ के वो डायलेटेड होते चले जाएंगे और वहाँ पर धीरे 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 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा तो फ्लूइड क्या है धीरे धीरे बाहर आने लगेगा और पिटिंग एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद होता है PLE। PLE का मतलब होता है प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। कभी कभी क्या होता है हमारी इंटेस्टाइन सही से वर्क नहीं कर पाती, रिस्पॉन्ड नहीं करती है या सिंथेसिस नहीं कर पाती है, सही तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, कई सारे फंक्शंस होते हैं जो नहीं कर पाती है स्पेशली एल्बुमिन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को पिटिंग एडिमा होने के चांसेस हैं क्योंकि उसमें एल्बुमिन प्रोटीन सही से वर्क नहीं कर पाएगा। इसके बाद होता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन यानी कि पेशेंट को मान लीजिए काफ़ी दिन से उसने प्रोटीन नहीं लिया है, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, फैट ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल ले रहा है, सारी चीज़ें ले रहा है धीरे धीरे, लेकिन माल न्यूट्रिशन है, उसको प्रोटीन नहीं दिया जा रहा। अब प्रोटीन अगर नहीं दिया जाएगा तो आपने सारी चीज़ों को समझ लिया, यहाँ पर प्रोटीन का मोस्ट रोल है, मोस्ट ऑफ रोल जो है वो प्रोटीन का है, सारी चीज़ें आपने समझ लिया है। अगर एल्बुमिन पेशेंट में कम होता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, माल न्यूट्रिशन में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम समझते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, क्यों? क्योंकि माल न्यूट्रिशन किसकी वजह से हो रहा है और अगर माल न्यूट्रिशन हो रहा है पेशेंट को तो हमें क्या देना है उसको, खाने पीने के मल्टीविटामिंस है, प्रोटीन वगैरह देनी है। कार्डियक फेलियर, अब कार्डियक फेलियर क्यों हुआ, लिवर की वजह से हुआ, किडनी की वजह से हुआ या फिर कार्डियक ऑलरेडी उसका कोई कॉज था तो उसको ठीक करना है। PLE एक अलग कैटेगरी है, उसको ठीक करना और उसके लिए ट्रीटमेंट एक अलग मैटर है, अलग डिस्कस करेंगे। लिवर डिसीजेस, अगर लिवर ऑफ सिरोसिस है तो लिवर ऑफ सिरोसिस पहले ठीक करनी होगी, ठीक है। उसके बाद एल्बुमिन हमारा नॉर्मल आएगा या फिर एल्बुमिन अगर कम है तो ऊपर से प्रोटीन दिया जा सकता है। लो लेवल ऑफ प्रोटीन, मोस्ट ऑफ कॉमन जो कॉज होता है वो लो लेवल ऑफ प्रोटीन होता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को प्रोटीन डाइट देते हैं, प्रोटीन को मेंटेन करते हैं और पेशेंट नॉर्मल आ जाता है। आज हमने समझा है पिटिंग एडिमा के बारे में, ट्रीटमेंट आपने समझ लिया, डेफिनेशन आपने समझ ली और इसके कॉजेज आपने समझ लिए। अब हम बात करते हैं पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा हमने समझ लिया है, नॉन पिटिंग एडिमा का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी डिप्रेशन नहीं बनेगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पर डिप्रेशन बना है, ये पिटिंग एडिमा है और यहाँ पर अगर आप उंगली से अपनी फिंगर से प्रेशर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कोई भी डिप्रेशन नहीं बनेगा, इसे कहते हैं हम नॉन पिटिंग एडिमा। एक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे नए टॉपिक के साथ में। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो मुझे दूसरी वीडियो या तीसरी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 300 से 400 कमेंट्स बल्क में आते हैं और किसी का कमेंट्स मुझे मिल पाता है, किसी का नहीं मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में मैं जो कमेंट्स मेरे सामने आ जाता है उसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ और जो सामने नहीं आ पाता उसका मैं रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू।